नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा के उपायुक्त रमेश चंद्र मिढान ने आज सिरसा अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया और किसानों की समस्याएं सुनकर उन्हें और उनकी समस्याओं का निवारण के लिए आश्वासन दिया। उपायुक्त ने निरीक्षण के दौरान सब किसानों से ऑनलाइन टोकन प्रणाली को लेकर के आ रही समस्याओं के बारे में उपायुक्त को अवगत कराया। उपायुक्त ने मंडी में आई अन्य फसलों के बारे में खरीदकारियों का जायजा लिया और मार्केट कमेटी सचिव को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने शौचालयों का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया। मंडी में नॉन MSP धान 1509 इस किस्म के भाव कम मिलने के कारण भी शिकायत मिली थी और किसानों ने ये शिकायत की थी, जिस पर उन्होंने सचिव को कम से कम MSP पर खरीद की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए। मीडिया से बातचीत करते हुए उपायुक्त रमेश चंद्र मीणा ने कहा कि मंडी में पानी की व्यवस्था तथा सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया गया है, जो कि पूरी तरह से दुरुस्त पाया गया। किसान को पोर्टल की वजह से आ रही दिक्कतों के बारे में उन्होंने कहा कि नेटवर्क की वजह से टोकन कटने में दिक्कत आती है, उन्हें अब ठीक कर लिया जा रहा है। उन्होंने किसानों की खरीद समय पर करने के लिए तथा सारने के लिए बनाई गई अनुसूची में भी आ रही समस्या के बारे में कहा कि किसानों का फसल में आने वाली लागत और किसानों द्वारा फसल गलत तरीके से दर्ज करने की जब वजह से समस्या आ रही है, अब उसे जल्द ही दूर किया जा रहा है। इसके अलावा 25% किसानों की आढ़तियों द्वारा की गई समय सारणी के अनुसार खरीद हो सकेगी, ताकि किसानों को किसी तरह की समस्या न हो। उन्होंने बताया कि आढ़ती मार्केट कमेटी सचिव से मिलकर के 25% किसानों की समय सारणी तय करेंगे, ताकि जिन किसानों ने पोर्टल के आगे का समय दर्ज किया है और फसल पहले ही काट ली है, ऐसे किसानों की समस्याएं जो है वो दूर हो सकेंगी। पलपल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। मंडी का दौरा किया है, व्यवस्थाएं देखी जा रही थी, पानी का प्रबंध देखा जा रहा था, उन्होंने जो है कैंपर का प्रबंध किया, वाटर कूलर का प्रबंध किया है, बाथरूम्स भी चेक कर रहे हैं, वो भी साफ किए जा रहे हैं। अभी मुझे बताया गया कि दिन में 2 बार चेक किए, मैंने कहा क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, क्योंकि पब्लिक इस दौरान मंडी में ज़्यादा आते हैं, इसे दिन में 4 बार साफ किया जाए और व्यवस्था उनकी ठीक पाई गई है। फसल को आप जो है इसके अंदर ऑप्शन चेंज करने का प्रावधान किया जा रहा है, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो इसे भी दूर किया जा रहा है। नहीं कोई कनेक्टिविटी की समस्या होगी उसको देख लिया जाएगा, उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा। शेड्यूल भी नहीं आ रहा, जैसे 2 पाली का ऐसे शेड्यूल आया, धान का भी शेड्यूल आया नहीं है। मुझे अभी बताया गया इसको ये व्यवस्था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोगों ने क्या किया हुआ है कि उन्होंने अपना टाइम स्लॉट डाला हुआ है, वो टाइम स्लॉट लगता है उन्होंने अपना गलत डाल दिया है, वो टाइम स्लॉट को चेंज करने का उसमें प्रावधान किया जा रहा है। वो ये व्यवस्था है कि जिस दिन जितने शेड्यूल के अंदर किए गए हैं उसके अंदर से 25% जो है शेड्यूलिंग जो है हमने आड़तियों की सलाह के लिए छोड़ी गई है, कि वो जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे लोगों ने गलत स्लॉट डाल दिया है, हो सकता है तीसरे वीक का किसी ने डाल रखा है लेकिन उसने फसल आज काट ली, वो कह रहा मैं आज नहीं ले पा रहा क्योंकि उसने जो है अपना स्लॉट पहले ही दूसरा दिया हुआ है, इसके कारण समस्या है। ये शेड्यूलिंग की समस्या नहीं है, उसके स्लॉट में डालने के कारण समस्या है। इसी को दूर करने के लिए 25% की उसमें से ये दिया गया कि 25% शेड्यूलिंग जो है आड़तियों के सलाह से मार्केट सेक्रेटरी मार्केट कमेटी कर सकता है।
कहा था ना कि सबको टेलीफोन भी कराओ, तो करा दो, पाँच पाँच तक करा लो लेने के लिए कहा था। तुमने भी बताया है शाम को 4 बजे बुला रखा, इसलिए दो रखा।